वैवाहिक कार्यक्रम से रुपयों से भरा बैग लेकर चंपत हो गया युवक, एक गिरोह बनाकर कर रहे वारदात। बता दें कि वैवाहिक आयोजनों में मेहमानों के बीच घुसने वाले बदमाश एक बार फिर सक्रिय हो गए हैं। इन बदमाशों ने वैवाहिक आयोजन के बीच स्टेज में रखा पैसों से भरा बैग पार कर दिया। वारदात को अंजाम देने वाला आरोपी सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुआ है, जिसके आधार पर उसकी तलाश की जा रही है। घटना रीवा शहर के समान थाना के आशियाना मैरिज गार्डन की बताई जा रही है। बताया गया कि ज्ञानेंद्र तिवारी निवासी हरदन थाना अतरेला की पुत्री का तिलकोत्सव कार्यक्रम 23 नवम्बर को आशियाना मैरिज गार्डन के समान तिराह में था। वैवाहिक कार्यक्रम के लिए वह 3,20,000 रुपये लिए थे। कार्यक्रम के बीच उन्होंने कुछ देर के लिए रुपयों से भरा बैग स्टेज पर रख दिया। लोग सभी कार्यक्रम में व्यस्त रहे, जिसका फायदा उठाकर एक युवक स्टेज के पास आया और चुपके से बैग लेकर चंपत हो गया। कुछ देर बाद जब वह वापस आए तो बैग गायब देखकर उनके होश उड़ गए। उन्होंने पूरे मैरिज गार्डन में बैग की तलाश की, लेकिन उसका कोई भी पता नहीं चल पाया है। इसकी शिकायत समान थाने में भी की गई है। एक दो दिन पहले जो है रात में आशियाना मैरिज गार्डन में एक तिलक का कार्यक्रम था, जिसमें जो है दो पार्टी आई हुई थी, लड़की पक्ष और लड़के पक्ष। वहाँ तिलक का कार्यक्रम चल रहा था। इसी दौरान उस कार्यक्रम में एक तीसरा व्यक्ति जो बदमाश रहा होगा शामिल था, उसको किसी ने गैस नहीं किया। जब ये लोग बैग को, जिसमें पैसा 3,20,000 बताया गया है, वो रख करके फ़ोटो वगैरह खिंचवाने लगे, उसी दौरान उस बैग को एक लड़के के द्वारा पार कर दिया गया। सीसीटीवी में कैद भी है? हाँ, सीसीटीवी फुटेज वगैरह आया है। लेकिन इस तरह के गैंग काफ़ी जगह सक्रिय हैं, और ये मतलब अलग अलग शहरों में भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं। बाहरी गैंग लग रहा है, उसमें हम लोग विवेचना कर रहे हैं।